बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्हें एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले में आर्यन का नाम आने के बाद से ही फिल्मी सितारे लगातार उनका और शाहरुख खान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पूजा बेदी ने आर्यन खान के जेल जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पूजा बेदी ने कहा कि आर्यन खान बेगुनाह है और उन्हें बेवजह जेल में बंद किया गया। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया के जरिए कही है। पूजा बेदी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अब पूजा बेदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर आर्यन खान केस पर प्रतिक्रिया दी है, साथ ही न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा बेदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला तो यह भयावह नहीं है कि एक बेगुनाह बच्चे को लॉकअप में हर दिन बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिना किसी कारण के जेल में डालना मानसिक रूप से परेशान करना है। न्यायिक व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। ऐसी व्यवस्थाएं निर्दोष को सजा देकर अपराधी पैदा करती है। सोशल मीडिया पर पूजा बेदी का ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री और शाहरुख खान के फैंस उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन पर ड्रग्स केस के तहत सुनवाई चल रही है। इस दौरान सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत पर भी 20 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, इस बात को लेकर आपकी क्या राय है कि जब कभी भी आर्यन जेल से रिहा होंगे तब क्या ये अनुभव उनके आने वाले फ्यूचर पर कितना प्रभाव डालेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बॉलीवुड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी।